कटा रहे हैं मुकुट माशाल्लाह। दोस्तों आज सैटर्न की बात करने वाली हूँ। सैटर्न यानी कि शनिदेव हमारे प्रोफेशन के कारक होते हैं और कारकुशा कुंडली में उनको दसवां और ग्यारहवां स्थान मिला है। टेंथ और इलेवेंथ हाउस को होल्ड करते हैं। टेंथ हाउस हमारा कर्मा क्षेत्र है, हमारा वर्क प्लेस है, हमारी वो जगह है जहाँ हमारी स्टेबिलिटी मिलती है हमारी लाइफ को, जहाँ से हम पैसा भी कमाते हैं, हमारी स्टेबिलिटी क्या है। इलेवेंथ हाउस वो जगह है जहाँ से हम गेन लेते हैं, जहाँ से हमें सब कुछ मिलता है रिटर्न। टेंथ हाउस में जो काम किया है वो इलेवेंथ हाउस में हमें मिलता है। मनी वाइज ले लीजिए, एक नेटवर्क साइट ले लीजिए। सेटन जो है डायरेक्ट हो रहे हैं 4 नवंबर को और पिछले 4.5 महीने आराम से वो रेट्रोग्रेड पोजिशन में थे। जब रेट्रोग्रेड पोजिशन में सेटन होते हैं तो वो आप काफ़ी परेशान रहते हैं उस टाइम। लोगों को काफ़ी मतलब नेगेटिव फीलिंग्स आती है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि सेटन ऐसा कहते हैं कि जो आपकी इनकम्प्लीट चीज़ें हैं उनको पहले कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ो। तो कहीं ना कहीं हम एक जो हमारा प्रोग्रेशन है ना वो रुकता हुआ नज़र आता है हमको। प्रोग्रेस जो हमारी जो आगे बढ़ने का जो हमारी इच्छा है, तरीका है, उसमें कहेंगे कि थोड़ा बैक, जैसे गाड़ी को थोड़ा रिवर्स लेकर के और फिर प्रॉपर दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। तो जो बैक लेने का तरीका दैट इज़ रेट्रोग्रेड। और अब वो आ गए हैं, वापस डायरेक्ट हो रहे हैं, प्रोग्रेशन में आ रहे हैं, तो बेटर जगह बेटर चीज़ें हमें मिलती है या बेटर हमें फीलिंग्स आती है कि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं वो आगे की ओर कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो रेट्रोग्रेड पोजिशन भी अच्छी होती है ताकि हम जो भी चीज़ छूटी है, इनकम्प्लीट है या रह गई है, उन सबको कंप्लीट करें तो आगे बढ़े। 4 नवंबर को प्रोग्रेस डायरेक्ट होने वाले हैं, प्रोग्रेशन में आने वाले हैं या मार्गी होने वाले हैं, बहुत सारे नाम होते हैं इस चीज़ के। सारे जोड़े साइन को सबसे पहले तो यू फील वेरी गुड रिलेटेड योर प्रोफेशन की अगर बात करती हूँ, या सैटर्न आपके कहाँ पर बैठे हुए हैं नेटल चार्ट में, वहाँ पर यू फील गुड बिकॉज जैसे ही प्रोग्रेशन में आते हैं तो यू फील वेरी गुड। जो मेहनत है वो आगे की तरफ जा रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो सारे जोड़े साइन के बारे में डेफिनेटली बताने वाली हूँ। उसके अलावा एक और चीज़ मैं कहने चाहती हूँ, वो ये है कि सैटर्न अब हमारे कर्मा को दर्शाते हैं, हम कितने कौन से कर्म कर रहे हैं। हमें कर्मों का देवता कहा जाता है सैटर्न को। जैसे आप कर्म करेंगे उतना ही वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा, हमेशा मैं कहती हूँ कर्म के देवता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके इलेवंथ हाउस में, रेट्रोग्रेड पोजिशन में थे, अब मारी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब तक आपको ये लग रहा था कि मुझे मेरे करियर में एक स्टेबिलिटी नहीं है, या करियर में कोई छूटा हुआ है, या जो प्रॉपर जो जगह मुझे चाहिए इन माई करियर, को टेंथ हाउस इन माई कर्मा, हमारे मेरे वर्क प्लेस पे, चाहे मैं बिजनेस में हूँ, चाहे मेरी जॉब में हूँ, चाहे आप गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में जॉब में हो, कुछ भी आप काम करते हो, उन सब चीज़ों में छूटी हुई चीज़ें थी वो आपने कंप्लीट कर ली होगी बिकॉज जब रेट्रोग्रेड पोजीशन में थे सैटर्न। अब वो आपको देने के लिए आए हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉजिटिव प्लेस पे बैठे हुए हैं इन फॉर द एरीज पीपल। गेनिंग के अवसर बढ़ेंगे डेफिनेटली। जितने भी कर्म टेंथ हाउस में आपने किए हैं, पास्ट में आपने किए हैं, उन सब का अब सैटर्न प्रॉपर तरीके से देने के लिए आ गए हैं, ठीक है। मनी वाइज की बात कर लूँ, गेनिंग की बात कर लूँ, नेटवर्क की बात कर लूँ, इमेज इन द सोसाइटी की बात कर लूँ, या फिर आपकी वो सारी डिज़ायर्स, इलेवंथ हाउस की पूरी होरोस्कोप की एक डिज़ायर जो फाइनल होती है ना कि बस मुझे ये सब चाहिए चाहिए, उन सबको कंप्लीट करने के लिए सैटर्न आ गए हैं। दैट इज़ फैंटास्टिक टाइम, फैंटास्टिक आई कैन से। जो डायरेक्ट होंगे तो उसके लिए जो आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं एरीज वालों को, बहुत ज़्यादा बेटर होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। हो सकता है गेनिंग हो सकता है, आपको बहुत अच्छा पैकेज ऑफर हो जाए, हो सकता है कि आपको कोई आपके बिजनेस में कोई बेटर आपको ऑप्शन मिल जाए, अपनी चीज़ों को बढ़ाएं, नेटवर्क बढ़ेगा बिकॉज ऑफ यू आर ए गुड पर्सन और आप कर्म बहुत अच्छे से करके आ रहे हैं अपने पास्ट में, इसलिए आपका जो इमेज इन द सोसाइटी विल बी गुड। आपको मैं एक टिप देना चाहती हूँ एरीज वालों को कि जितना भी पैसा आप कमाते हैं, जो भी आपकी गेनिंग होती है, उसमें से कुछ पार्ट आप अपनी सोसाइटी के लिए या अपने देश के लिए भी डेफिनेटली खर्चा करें। फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, कहने की जरूरत ही नहीं है आपके लिए, बहुत अच्छा समय। अपने आप को स्टेबल करके निकल गए हैं आप, क्योंकि रेट्रोग्रेड में थे तो स्टेबल कर रहे थे टेंथ हाउस में, कि मैं स्टेबिलिटी कर रहा हूँ अपने आप को, कि मैं प्रॉपर अपने आप को एक जगह बना रहा हूँ। नाउ टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, तो दिस इज अमेजिंग टाइम। इसे मैंने बताया एक टिप, इसको आप जरूर याद रखिए। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए क्या हो रहा है सैटर्न, कहीं ना कहीं आपको अब इस समय स्थिति क्या है कि आपके अभी टेंथ हाउस में है, टॉरस वालों की बात करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि इस समय आपको अपनी किस्मत का बहुत ज़्यादा साथ मिल रहा था, या आई कैन से किस्मत के भरोसे आप बैठे हुए थे, लेकिन अब जो समय है इसमें आपको कर्म करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द सैटर्न ट्रांजिटिंग इन योर टेंथ हाउस, ठीक है। और
एक्वायरस में है, तो एक्वायरस में संपूर्ण चीज़ें देने के लिए आ रहे हैं आप। पहले क्या हो रहा था, रेटोरिक पोजिशन में थे तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि किस्मत मेरे साथ है, मैं किस्मत के भरोसे बैठा हूँ, लेकिन नहीं। नाउ यू हैव टू डू द कर्मा, क्योंकि 10th हाउस है तो 11th एक्वायरस है, बट आपके यहाँ 10th हाउस में है। तो जितना आप प्रॉपरली कर्मा करेंगे अपने वर्क प्लेस को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के, उतना ही सैटर्न आपको देंगे, प्रॉपर तरीके से देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा अच्छे लेवल पर। किस्मत के भरोसे अपनी बैठना आप, या अपनी आलस्य से बाहर निकलना पड़ेगा। टॉरस वालों की बात करी मैं, पर्टिकुलर पोस्ट चाहिए, पर्टिकुलर गेनिंग चाहिए, पर्टिकुलर आपको बिजनेस में सफलता चाहिए, या फिर आपने कोई अप्लाई किया हुआ था इंटरव्यू के लिए, किसी भी तरह का काम अगर आप जो कर रहे थे, तो आपको प्रॉपर तरीके से अभी सैटर्न का साथ देना पड़ेगा विथ योर कर्मास। अपने आलस्य से बाहर आइए, कर्म क्षेत्र में घुसिए, उतरिए, मेहनत कीजिए, कर्मठ बनिए, तभी सैटर्न आपको सब कुछ देंगे, और देंगे ही। वो बैठे ही 10th हाउस में, बहुत अच्छे लेवल पर बैठे हुए, बट यू हैव टू डू द थिंग्स। अपने आलस्य से वो कहते ना कि किस्मत पे होगा तो आ जाएगा, इस तरह का जो थॉट प्रोसेस हो रहा था बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेशन ऑफ द सैटर्न, तो अब वो चीज़ें हैं कि अपनी किस्मत तो है ही आपकी, लेकिन अब कर्म भी आपको करने पड़ेंगे। सैटर्न कर्म के ही देते हैं, जिसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है, ठीक है। बात करते हैं जेमिनाइज वालों की, जेमिनाइज वालों के लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं आपके 9th हाउस में। आप टूवर्ड्स लॉट्स ऑफ थिंग्स वाज गोइंग वेरी बैडली, लास्ट 4 महीने की बात कर रही हूँ मैं। आपकी जो पावर है, जो सैटर्न आपको पावर देते हैं, या आपका जो कर्म जो है, वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि बहुत डूब रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को एनालिसिस भी कर लिया है। जब मैंने जोर की बात करी हूँ मैं, बहुत अच्छे लेवल पर, कि जब सैटर्न 8th हाउस में का प्रभाव में प्रभाव दे रहा था, ठीक है, जेमिनाइज वालों की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आपको डीपली एनालिसिस किया है, 8th हाउस में डीपली एनालिसिस, और अपने आपको एक स्टेबिलिटी देने की भी कोशिश की है, कहीं ना कहीं जमीन देने की कोशिश की है, जमीन के अंदर भी आपने चीज़ें बेटर की है अपनी। अब समय है कि सैटर्न आपको आपकी किस्मत का देंगे, क्योंकि आप बेटर होकर के निकल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होकर के निकल रहे हैं, जेमिनाइज वालों की बात करें, ठीक है। तो अब आपको बेटर देंगे, आप अपनी किस्मत का लेंगे अब सैटर्न से, सैटर्न आपकी किस्मत की जगह पर बैठे 9th हाउस में, जेमिनाइज वालों की बात करी मैं, यस, कहीं ना कहीं। उसके अलावा आपको इस समय बहुत अच्छे मेंटर मिलेंगे, बहुत अच्छे गाइड्स भी मिलेंगे, जो कि आपको बताएंगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, या अपने वर्क प्लेस की बात कर लूँ, या अपनी जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, प्रोफेशन की बात कर लूँ, स्पेशली गुड मेंटर मिलेंगे, लोग अच्छे गाइड मिलेंगे। उसके अलावा हो सकता है कि इसमें अपने फादर का बिजनेस भी ज्वाइन करें, या फादर का वो डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लें, तो कैन बी पॉसिबल। नाउ द थिंग्स विल बी गुड, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप निकल रहे हैं, तो चीज़ें आपको मिलेगी, सैटर्न आपको किस्मत की जगह बैठ करके देंगे। स्पिरिचुअल रहिए सबसे पहली चीज़ ये, उसके अलावा अपने मेंटर्स या गुरु या गाइड या फादर फिगर जो भी हैं, उनकी राय लीजिए, अगर आप फंसे हुए हैं तो उनके मार्गदर्शन में चलिए, ज़्यादा बेटर आपको रहेगा। फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, नो डाउट, अच्छा समय आपके लिए। चीज़ें जो बुरी थी वो निकल गई हैं, बहुत फंसी थी लास्ट टाइम का 4 महीने से, ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं लेकिन अपने आप को। बात करते हो कैंसर वालों की, कैंसर वालों के लिए क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा यू आर वेरी आई कैन से कि बिजनेस में बहुत बिजी कह सकती हूँ, या फिर अपने पार्टनरशिप जो क्वालिटी थी, पार्टनरशिप का जो बिजनेस आप करते थे या कर रहे हैं, या अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप बिजनेस में भी हैं, जॉब में भी हैं, वहाँ पर स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा बेटर नहीं थी, ठीक है, बिकॉज 7th हाउस में सैटर्न थे, इन रेट्रोग्रेड पोजीशन में असर दे रहे थे। अब 8th हाउस में आए, कहीं ना कहीं कैंसर वालों को क्या है, जैसे मैंने ऑलरेडी से बहुत एक वीडियो बनाया था सैटर्न ट्रांजिटिंग का, उसमें आपके कैंसर वालों के सैटर्न का इस वक्त ढैया चल रहा है। प्रोफेशन के सैटर्न को हम लेते हैं और कर्म क्षेत्र के लिए भी लेते हैं, इस समय आप जितना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, या अपने आप को जितनी अपनी जमीन को आई कैन से कि एक फाउंडेशन, या दिस द वर्ल्ड फाउंडेशन, जितना अपने आपको पक्का करेंगे, उतना ही सैटर्न आपको साथ देंगे अच्छे लेवल पर। इससे हो सकता है कि अगर आपको इंजीनियरिंग जॉब का फील्ड ज्वाइन कर लें, कोई रिसर्च का फील्ड ज्वाइन कर लें, कोई गहरी कोई तो वो कहते ना कि एक मैं जमीन से जुड़ी कोई चीज़ें हैं, कोई स्टोन का काम स्टार्ट कर दें, कोई इस तरह की चीज़, रिसर्च वर्क इज देयर कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है, इससे हो सकता है ऐसा कोई फील्ड भी ज्वाइन कर लें रिलेटेड ऑफ द तांत्रिक, टैरो कार्ड रीडिंग मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं इस प्रोफेशन में चला गया, अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है, अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है इस समय अपने इन लॉज का बिजनेस ज्वाइन करें, या उनके साथ कोई पार्टनरशिप में काम स्टार्ट कर दें, मे बी पॉसिबल। लेकिन आपको अपनी ज़मीन को फाउंडेशन देनी पड़ेगी, उड़ते उड़ते बिजनेस मत कीजिए इस सप्ताह, कि ठीक है थोड़े दिन के लिए कर लिया फिर बदल लिया, थोड़े दिन के लिए स्टेबल रहिए, जो भी काम करें उसमें स्टेबिलिटी रहिए, पैर जमाइए अपने,
वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अदरवाइज ये जो चीज़ें हैं वो मतलब वो जब सैटर्न ट्रांजिट कर जाएगा नेक्स्ट हाउस में यानी कि पाइसिस में जो कि आपके नाइन्थ हाउस में आ रहा है, तो भी अपना जॉब को बदलेंगे, अपना बिजनेस बदलेंगे नहीं, ये समय है ट्रांसफॉर्मेशन का। सैटर्न के अनुसार अपने आप को ढाल लीजिए, इसमें कर्म कीजिए सैटर्न के थ्रू, डीपली जाके सोचिए कि मुझे ये बिजनेस या ये जॉब या जो काम मुझे मैंने लिया है सही है कि नहीं है, या मैं जो अप कर रहा हूँ सही है कि नहीं है। चीज़ों को पहले सीखिए फिर आगे बढ़िए, लर्निंग प्रोसेस भी है, ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने आप, लर्निंग से डरिए मत, दूर मत भागिए, इस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए क्या हो रहा है, लियोज वालों की बात करूँ, लियोज वालों के लिए क्या हो रहा है, अभी सैटर्न आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे नो डाउट, पर रेट्रोग्रेड पोजीशन में थे तो कहीं ना कहीं आपने प्रारब्ध कर्म में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, या वो रूटीन काम, रूटीन इनकम, रूटीन जॉब, जाना आना। अब यू वांट टू मूव ऑन टू द डिफरेंट थिंग्स। मेरी पॉसिबल लियोज वालों की बात कर रही हूँ कि अब आप कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें उसमें कोई पार्टनरशिप रखें, मे बी पॉसिबल। अभी आपको जो है ना एक रूटीन जॉब से इन सब से बहुत थक से गए हैं, यह होता है क्योंकि रेट्रोग्रेड पोजीशन में सैटर्न थे, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ रही थी प्रारब्ध कर्मा की वजह से, या अपने घर चलाने की वजह से कि कारण आपको जॉब करनी पड़ रही थी या पैसा कमाना पड़ रहा था, अर्थात क्षेत्र को एक्टिव करना पड़ रहा था। बट अब समय आप बदल लेंगे या आपका दिमाग में जो है चीज़ें बदलेंगी, यू वॉन्ट टू मूव ऑन द थिंग्स। मुझे खुद का बिजनेस करना चाहिए, चाहे मुझे डिले ही पैसा मिले, या मुझे कोई पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस निकलेगा, बाहर निकलेंगे इस चीज़ से। या अगर ऑलरेडी उस जॉब में भी रहेंगे तो उस जॉब में भी चेंजेस फील करेंगे, या चेंज कर सकते हैं अपनी जॉब को, इन बेटरमेंट कैन बी पॉसिबल। पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं अब आप, लियोज वालों की बात कर रही हूँ, कैन बी पॉसिबल, तो और वो चीज़ अच्छी भी रहेगी आपके, नो डाउट। तो चीज़ें बदलेंगी आपके लिए, प्रारब्ध कर्म से ही बाहर निकलेंगे। नाउ मूव ऑन द थिंग्स। इससे हो सकता है अपने स्पाउस का कोई बिजनेस करें, स्पाउस का कोई बिजनेस है उसको ज्वाइन कर लें, या फिर अपने स्पाउस के मतलब इन लॉज की वहाँ से कोई आपको ऑफर मिल जाए, स्पाउस भी उसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक उनकी भी भूमिका नजर आ रही है मुझे, तो कैन बी पॉसिबल, गुड टाइम, नो डाउट, वेरी गुड टाइम। बात करती हूँ वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों का हाल ये हो रहा है कि इस समय बहुत ज़्यादा सिक्स हाउस से पहले से सैटर्न है और रेट्रोग्रेड पोजीशन में थे, तो कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी भी आपकी कम हो रही थी, उसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी जितनी भी हो रही थी वो कर्मा की तरफ हो रही थी, कर्म करने पड़े थे, बच्चों की बात कर लो, रूटीन इनकम की बात कर लो, रूटीन काम की बात कर लो, कहीं ना कहीं आपकी जो वेटैलिटी है या आपकी जो एनर्जी है वो बहुत लेस फील करते। लेकिन जैसे ही सैटर्न अप डायरेक्ट होते हैं यू फील गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा अपने काम पर, अर्थात क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब आप सिक्स हाउस में सैटर्न बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब आपको कर्मठ ज़्यादा बनना पड़ता है और आपको अपने प्रारब्ध कर्म यानी कि जो आपका जो प्रॉपर जो कर्म है ना घर का, रिलेशंस का, रिलेटिव्स का, फैमिली मेम्बर्स का, उन सबको भी आपको निभाना पड़ता है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आपको अपना खुद का करियर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बट ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे देता है सेकंड सिक्स हाउस में, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, नो डाउट। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको इसमें मिल सकती है, आपका मैंने कहा फोकस्ड होंगे अब आप, नाउ आई वॉन्ट टू डू दिस, मुझे काम करना, मेरा वर्क कहाँ गया, काम के प्रति बहुत सीरियस होंगे, बिजनेस के प्रति नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, नई जॉब आपको मिल सकती है, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपको कोई बैंक में नौकरी मिल जाए, या अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बैंक से लोन मिल सकता है, सिक्स हाउस बैंक का लोन है, बैंक से लोन मिल सकता है, कागजी कार्रवाई कर सकते हैं इस समय आप रिलेटेड योर जॉब, बिजनेस या आपका वर्क प्लेस जो भी है, गुड टाइम नो डाउट। बट प्रारब्ध जो कर्मा है, जो आपका रूटीन कर्मा है, जो आपका बेस करना है, वो आपको करना ही पड़ेगा, उससे आप दूर नहीं हो सकते हैं, पहली चीज़। उसके अलावा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, इतना ज़्यादा जुट जाना या कर्मों में इन्वॉल्व हो जाना कि आपकी हेल्थ थोड़ी पीछे हट जाए, तो हेल्थ का ध्यान रखिए। सिक्स आवर्स में सेटल देखिए बीमार बहुत ज़्यादा करता है, वॉक कीजिए, गुड फॉर यू। बात करती हूँ मैं लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों के लिए क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नाउ फील गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वन टू से, क्योंकि कहीं ना कहीं सैटर्न आपके इस वक्त फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं एक्वेरियस में, ठीक है, और रेट्रोग्रेड पोजीशन में थे, तो आपका कर्मा टुवर्ड्स योर वर्क, स्टेबिलिटी, होम टाउन, या वो कहते हैं कि मुझे घर से ही काम करना पड़ेगा, घर से काम कर रहे थे, लेकिन अब आप मूव ऑन करने की सोचेंगे, अब आप ना ट्रैवलिंग करेंगे पहली चीज़ तो ये। जैसे कई लोग घर से काम कर रहे थे, रिमोट काम करते हैं कई लोग, जैसे ना आजकल ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा हो गया, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, तो अब आप मूव ऑन करेंगे, अब आप ट्रैवलिंग वाला काम भी करें, हो सकता है कि नहीं मुझे रोज ऑफिस जाना है या ऐसा काम करना है जो रोज़ ऑफिस जाना पड़े, अपने आप को एक्टिव करेंगे, फिजिकली एक्टिव भी करेंगे डेफिनेटली, क्रिएटिविटी बढ़ेगी नो डाउट।
अगर आप फ्री थे, जॉब नहीं थी, तो हो सकता है इस समय आपको बहुत अच्छी जॉब मिले। गवर्नमेंट में अगर अप्लाई किया तो हो सकता है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिले। फिफ्थ हाउस में जब सैटर्न आता है तो बहुत अच्छे लेवल पे जॉब देता है आपको, ठीक है, लेकिन कर्मा भी देता है टुवर्ड्स योर किड्स, नो डाउट। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रारब्ध कर्मा करना पड़ेगा, लेकिन जॉब के लिए भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। ट्रैवलिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा निकलेंगे, कहीं ना कहीं सैटर्न जो है ना फ्री विल भी होता है, आपको चलाता है, ट्रैवलिंग का कारण होता है सैटर्न, ठीक है। उसके अलावा क्रिएटिविटी बढ़ेगी, जैसे हमने बताया। इस समय हो सकता है कि कोई वर्क प्लेस पे या आपका जॉब प्लेस या आपका बिजनेस प्लेस पे कोई इंसान आपका लव भी आपको आपसे टकराए, हो सकता है आपको किसी रिलेशन बने अगर आप सिंगल हैं तो, आप मे बी पॉसिबल, पर जॉब के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए। ईगो थोड़ा कम कीजिए, दैट इज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अपने बच्चों के प्रति नेगलेसी ना बरतें आप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बात करती हूँ स्कॉर्पियोज वालों की। स्कॉर्पियोज वालों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना या होता है ना एक इररेस्पॉन्सिबल बनना हो चुका है बिकॉज ऑफ द सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में थे। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, मैं बस मेरी ये लाइफ है, या फिर आप बहुत ज़्यादा जॉब ढूंढ चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने सपोर्ट सिस्टम को खंगाल चुके हैं कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे जॉब करनी है, मुझे बिजनेस करना है, वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिला है। अब आप बैठ करके शांति से, हो सकता है अपने घर से कोई बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर अब आप बैठ कर सोचें कि मुझे जॉब करनी है, बिजनेस करना है, और वो किस तरह से करना है। ये समय स्टेबिलिटी का है। फोर्थ हाउस में आपके सैटर्न है, स्कॉर्पियो वालों की बात कर रही हूँ मैं, फोर्थ हाउस में सैटर्न आते हैं तो आपको कहीं की स्टेबिलिटी देते हैं, घर के प्रति जिम्मेदारियाँ देते हैं। हो सकता है आपको प्रॉपर्टी बिजनेस स्टार्ट कर लें, घर से बिजनेस स्टार्ट करना, घर पे ऑफिस खोल लेना, कैन बी पॉसिबल। रुकाव देंगे सैटर्न आपको, रोकेंगे, रुको, बहुत दौड़ भाग कर ली आपने, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करके आप 4-5 महीने में, अब आप शांति से बैठिए और सोचिए समझिए मुझे करना क्या है। ज़्यादा बेटर रहेगा घर से कोई जॉब करें या घर से बिजनेस करें। अगर आपकी जॉब भी है तो ऑनलाइन करें, ऑनलाइन काम कर सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से, प्रॉपर्टी का काम भी कर सकते हैं, दैट इज़ गुड फॉर यू। और आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है या आपने सफलता पानी है तो अपनी माता को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लीजिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी दे रही हूँ मैं आपको इस समय, स्कॉर्पियो वालों की बात कर रही हूँ, बहुत अच्छी है रेमेडी आपके लिए। माता को पार्टनर बनाने से आपकी जो मतलब होते ना कि निगेटिव या जो भी है आपकी मिसहैपनिंग वो सब खत्म हो जाएगी और आपका प्रोग्रेशन बहुत अच्छा होने वाला है, कैन बी पॉसिबल। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ स्कॉर्पियो वालों को कि इस वक्त हो सकता है कि आपको अपना घर छोड़ करके जाने का मन करे, लेकिन घर आपको जाने नहीं देगा इस समय, वो आपकी जो मेहनत है ना वो बेकार ही रहेगी इस समय, घर पे रहके काम भी ज़्यादा बेटर रहेगा। सेस्टस वालों की बात करें, सेस्टस वालों के लिए थर्ड हाउस में ट्रांसिट कर रहे हैं, सेस्टस वालों के लिए बेटर समय है, बहुत ज़्यादा बेटर समय है अपनी इमेज इन द सोसाइटी। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपको कोई ऐसा काम मिले, लाइजिंग वर्क मिल सकता है, या आपको मार्केटिंग में या सेल्स में जाने की सोच सकते हैं। अपने आप को सोसाइटी में दिखाना या अपने आप को एक ग्रुप में दिखाना या नेटवर्क में दिखाना, होते ना कई लोग यूट्यूबर बन गए, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, या आपकी कोई इंस्टाग्राम पे अच्छी रील्स आपकी चालू हो गई, इस तरह का काम आप कर सकते हैं इस समय। ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कैन बी पॉसिबल। इस समय आप अपीयर होंगे दुनिया के सामने, वो एक ना घर होमसिक वाला इंसान बाहर निकलेगा, कैन बी पॉसिबल। अपने घर के अगर आप बिजनेस पहले से कर रहे थे या घर का कोई रूटीन काम कर रहे थे या घर वालों के बिजनेस में थे, फादर के बिजनेस में थे, तो हो सकता है कि अपना खुद का नया बिजनेस खोलने की सोचे कि नहीं मुझे अब अपना करना है, मैं छा सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, एफर्ट्स निकालेंगे बाहर, बहुत एफर्ट्स निकालेंगे बाहर, मेहनत करने में आ जाएंगे, मैं मेहनत करूँगा, और बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा सोशल मीडिया का, लोगों से कनेक्शन करना, कम्युनिकेशंस करना, इस तरह की चीज़ें करेंगे इस समय। कम्युनिकेशन की कोई हो सकता है, कोई काउंसलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दे, काउंसलिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग की जॉब भी आपको मिल सकती है, टीचर बन सकते हैं इस समय, बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अपने आपको बाहर निकलने का समय है, थर्ड हाउस है, फैला दीजिए अपने आप को। घर का होमसिक रहना या घर का बिजनेस को अब आपको लगेगा कि नहीं बहुत हो गया, अब मैं अपना करूँगा, और वो आपको सफलता भी देगा, नो डाउट। थर्ड हाउस में सैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, स्पिरिचुअल रहिए। उसके अलावा अपने सराउंडिंग लोगों का जरूर ध्यान रखिए, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। बात कर रही हूँ एक्वेरियस वालों की, सॉरी, बात कर रही हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए सेकेंड हाउस में, कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए सैटर्न जो है सेकेंड हाउस में आ रहे हैं, और आपका तो असेंडेंट लॉर्ड ही है, यानी कि आपकी पूरी होरोस्कोप को सैटर्न ही कंडक्ट करते हैं, कंट्रोल करता है इनसे। कहीं ना कहीं आपको एक सैटर्न जो है ना अभी रेट्रोग्रेड पोजीशन में थे तो आप बहुत ज़्यादा हवा में उड़ चुके हैं। मतलब ये फर्स्ट हाउस में सैटर्न आता है ना तो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको लगता है बस मैं ही मैं हूँ। सैटर्न कहीं ना कहीं एक
लीडरशिप क्वालिटी देता है। फर्स्ट हाउस जो है, अगर मैं बात करती हूँ कर्कश क्वालिटी में, तो एरीज की जगह होती है, वहाँ पर सैटर्न बहुत ज़्यादा आपको लीडरशिप क्वालिटी देता है, अहम देता है, एक ईगोस्टिक क्वालिटी देता है। वो हो रहा था जब आप सैटर्न रेट्रोग्रेड था, लेकिन अब जैसे सैटर्न जो है मार्गी हो जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं वापस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स योर फैमिली, टूवर्ड्स योर होम टाउन, टूवर्ड्स योर फैमिली मेम्बर्स याद आ जाएगी, क्योंकि अब आपको वापस वो कर्मा क्षेत्र, क्योंकि सेकेंड हाउस कर्मा क्षेत्र ऑफ द सैटर्न, और आपका तो जैसे बताया लॉर्ड ही सैटर्न है, फर्स्ट हाउस का और सेकेंड हाउस का, दोनों का लॉर्ड सैटर्न है। नाउ यू विल वेरी, नहीं मुझे अब काम करना है, बिजनेस करना है, जॉब करनी है, पैसा कमाना है, फैमिली के लिए, घर के लिए, मेरे घर वालों को जरूरत है, मेरे घर को पैसे की जरूरत है, मुझे कर्म करना पड़ेगा, वापस कर्म क्षेत्र में एक्टिव हो जाएंगे और वही आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज आपकी फैमिली मेंबर्स और आपके होम टाउन से आपके घर के जो भी लोग हैं या आपका जो घर है वहाँ से आपको बहुत हाई लेवल पर नेगलेसी मिलेगी। सेकेंड हाउस में जब सैटर्न आता है तो कहीं ना कहीं आपको एकदम बाध्य कर देता है कर्म करने के। सेकेंड सिक्स एंड टेंथ दे आर द हाउसेज फॉर द कर्मास क्षेत्र। सेकेंड हाउस में इंसान जब होता है, जब आता है सैटर्न, तो आपको काम करना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए। सिक्स हाउस में जब आता है तो आपको काम करना पड़ता है सारी दुनिया के लिए, इसके भी रिलेटिव्स हैं एवरीवन। और जब टेंथ हाउस में सैटर्न आता है तो आपको काम करना पड़ता है स्वयं के लिए, तो ये इस वक्त आपको काम करना पड़ेगा अपनी फैमिली के। बात करते हो एक्वेरियस हाउस की, आपके फर्स्ट हाउस में ही आपका तो लॉर्ड ही है, बेटर चीज़ें होंगी नो डाउट, अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है नो डाउट। आपकी एनर्जी जो खराब हो रही थी या ख़त्म हो रही थी, आपको लग रहा था कि मैं कहते हैं कि मैं इतना वर्क कर रहा हूँ या मैं एनर्जी दे रहा हूँ फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, लॉस हो रही है बिकॉज ऑफ द सैटर्न वाज रेट्रोग्रेड, लेकिन अब सैटर्न जैसे डायरेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी पावर को पकड़ेंगे, पावरफुल फील करेंगे सबसे पहले, यस नाउ आई कैन कंडक्ट, अब मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ को, अपने प्रोफेशन को, अपने कर्म को, अपने काम को, ठीक है। क्योंकि आपका तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जैसे सैटर्न है, ठीक है, खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, लेकिन आप खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके अलावा आप अपना जो दिमाग है, फर्स्ट हाउस में सैटर्न है देखिए, और बहुत अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है। एक्वेरियस में सैटर्न फर्स्ट हाउस में आता है, बहुत कुछ लेके जाता है, यानी संपूर्ण ले जाता है, उसके बाद 30 साल के बाद वापस यहाँ पर आएगा वो। इस वक्त आप वो सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशन को लेकर के एक स्टेबिलिटी होती है ना, जस्ट जंप, वो चीज़ समय आप कर सकते हैं और करेंगे भी नो डाउट। अपने कर्मों को ध्यान रखिए पहली चीज़, उसके अलावा अपने वर्क क्षेत्र पर ध्यान रखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, फोकस रखिए, राइट और रॉन्ग को चूज़ करना यही आपके लिए टाइम है। अगर जॉब में ऑलरेडी है बहुत ध्यान दीजिए अपने जॉब में, इससे आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। बिजनेस में है अच्छे लेवल पर अपने बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं। अगर आप नया ही जॉब जा रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो फोकस रखिए, एक ही जगह पर फोकस रखिए। सैटर्न में चार जगह पर आप करते हैं तो सैटर्न बहुत परेशान हो जाता है, उसको एक ही जगह पे आपको फोकस रखना है। चार नौ में सवार मत होइए, बहुत अच्छा समय आपके लिए, बी कर्मठ, इगोस्टिक थोड़ा कम रही। फाइनली बात करती हूँ पाइसिस वालों की, पाइसिस वालों के लिए 12th हाउस में ट्रांसफर। पाइसिस वालों के लिए अभी कुछ बेटर समय था रेट्रोग्रेड पोजीशन में जब थे, यू फील वेरी रिलैक्स एट दैट टाइम, बट नाउ सैटर्न डायरेक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर से आपको सीरियस होना पड़ेगा टूवर्ड्स योर कर्मा क्षेत्र, पहली चीज़ हुई। उसके अलावा अपने एडिक्शन से बाहर निकलिए, उसके अलावा अपने खर्चों से बाहर निकलिए, अपने होते ना कि लेट गो जगह से बाहर निकलना पड़ेगा, ट्वेल्थ हाउस क्या लेट गो है, सब छोड़ छाड़ के चला जाऊँ, बट सैटर्न है जाने नहीं देगा आपको। कर्मा क्षेत्र कर्म तो करना पड़ेगा, या तो इंसान की डेथ हो जाती है तो इंसान सब छोड़ के चला जाए, वो अलग चीज़ होगी। आप जीते जी अगर चीज़ों को छोड़ेंगे तो सैटर्न आपको बहुत परेशान करेगा, हेल्थ वाइज परेशान कर सकता है, एडिक्शन पाल सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हो सकता है, लॉसेस हो सकता है रिगार्डिंग योर हेल्थ, रिगार्डिंग योर फिजिकली लेवल, आपके फाइनेंशियल लेवल, इन सब चीज़ों में सैटर्न जो है लॉस देता है आपको। लेकिन अगर आप कर्म करते हैं, आप सीरियस होते हैं अपने टूवर्ड्स योर कर्मास, टूवर्ड्स योर अर्निंग्स ऑल्सो, बिकॉज सैटर्न जो है आपका 11th हाउस का भी लॉर्ड है, तो सैटर्न डेफिनेटली आपको सपोर्ट देता है। चीज़ों को छोड़ना मत सीखिए, चीज़ों को कीजिए, सामने बढ़िए, रेस्पॉन्सिबल बनिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए आगे होकर के, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अदरवाइज सैटर्न बहुत परेशान करेगा आपको, लॉसेज देंगे तो बहुत जबरदस्त लॉस, इंजरी हो सकती है, सर्जरी हो सकती है, बेड पे आ सकते हैं आप इस समय, बट जितना कर्मठ रहेंगे, जितना सैटर्न का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, उसके अलावा जितना आप काम करेंगे, सैटर्न को भी पसंद है कि वो कर्म कीजिए, कर्मठ रहिए, एकदम फिजिकली भी कर्मठ रहिए, ये नहीं कि पड़े पड़े, नहीं, डू द थिंग्स। हो सकता है आपको अलग कोई कम्युनिटी से बुलावा आ जाए फॉर योर जॉब, अलग कम्युनिटी से कोई आपको ऑफर आ जाए, कैन बी पॉसिबल, बट बी कर्मठ। तो मेरा जो छोटा सा वीडियो था सभी के लिए, फॉर सैटर्न डायरेक्ट, फॉर 4 नवंबर को जो हो रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है,
उसके अलावा सैटर्न के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडीज आप सारे जोड़े से आपको देना चाहती हूँ, ये है कि पहली चीज़ हुई कर्मठ बनी, जैसे हमेशा कहती हूँ कर्म कीजिए, उसके अलावा अपने कर्मों से या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीठ मत मोड़िए, अदरवाइज सैटर्न आपसे करवा तो वो किसी भी तरह से लेगा, तरीका उस कोई सा भी होता है, क्योंकि वो पीछे नहीं हटता। सैटर्न आपको लगेगा कि मैं अगर रेस्पॉन्सिबल बन जाऊँगा तो मैं इससे पीछे छुड़वा लूँगा इस चीज़ से, नहीं वो ऐसा नहीं होगा, वो करवा लेगा तरीका कोई भी हो, बीमार करेगा, फाइनेंशियल लॉस कर सकता है, मेंटल प्रॉब्लम कर सकता है, वो करवा लेगा, तो इससे अच्छा था आप हंस के कीजिए। तो बी रेस्पॉन्सिबल एंड बी कर्मठ। कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।